ये जी राकेश के राजमा चावल अलोंग विद दो पनीर, ये जी चरण दास के राजमा चावल अलोंग विद बिग बिग पीस ऑफ, ये रहे जी राकेश जी के राजमा चावल, ये रहे जी चरण दास जी के राजमा चावल। हाँ देखो जी, ये तो शक्ल से आप बताओगे कि ये बहुत स्पाइसी है, तो जी मैं अब इस कंक्लूजन में निकला हूं कि राकेश अच्छा है या चरण अच्छा है। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आ जा रहा जी भाई दो दिग्गजों के पास, जो कि भाई राजमा चावल के दिग्गज है भाई राकेश और भाई चरण, ठीक है जी। तो जी आज हम हेड टू हेड भाई उनका कंपैरिजन करेंगे, भाई बेस्ट कौन है, भाई अच्छा कौन है। भाई देखो जी, आज वो बिल्कुल भी पहचान के भाई मोहताज नहीं है। आज से 5-6 साल पहले मैं ही वो बंदा हूँ भाई जिसने उनको एक्सप्लोर किया था, तो आज तो भाई क्या नाम उनका हो चुका है भाई मार्केट में। तो मुद्दा ये है कि मैं वहां जाता हूँ, ठीक है, उनसे माल लेके आता हूँ, क्यों मैं डायरेक्टली वहां जाऊंगा नहीं, क्यों मुझे पैसे लेंगे नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, ठीक है जी। तो मेरा कैमरामैन जाएगा वहां से माल लेके आएगा और हम हेड टू हेड भाई गाड़ी में बैठ के भाई दोनों का भाई कंपेयर करेंगे भाई कंपैरिजन में, भाई दोनों का टेस्ट कैसा है भाई, क्यों भाई डिबेट बहुत है जी उनके ऊपर भाई अच्छा कौन है बुरा कौन है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, ठीक है जी। तो जी आप मिलते हैं जी उसी लोकेशन पे। आप तो जी रेडी जोन हम पहुंचने वाले हैं जी, क्या मतलब पहुंच गए समझ लो। हाँ अब चरण दास जी आजकल भैया सतवारी से उड़ के अब इस रोडी रेडी जोन में आए हुए हैं, पहले सतवारी में बैठते थे जब मैं आज से 5-6 साल पहले वहां किया था, ठीक है जी। चरण दास जी जो है वो उनके नाना जी है बेसिकली, अगर किसी को पता ना हो। कितने गया चरण भाई, जहाँ रश होगा वहां चरण होगा ना यार। तो जी लो जी भाई चरण दास जी है, आज तो रश है ही नहीं यार, कोई चक्कर नहीं है, मजा आ गया। तो जी अब मैं इनसे पैक करवाऊंगा पहले, बाद में कराएंगे जी राकेश से पैक, ठीक है जी, ओके। तो लो जी वो रहे अपने चरण जी, ये रहा उनका भाई राजमा चावल जी, ठीक है। अब आती है बारी भाई राकेश जी की, तो जी अब बारी आती है अपने भाई राकेश जी की। पूरे राकेश जी अब मैं जरा गाड़ी चुपके से लगाता हूँ साइड पे, रिम जिम बारिश हो रही है जी और पार्किंग की बड़ी दिक्कत आ रही है जी। तो लो जी भाई चरण जी नहीं अपने राकेश जी की पैकिंग भाई इस प्रकार से है, ठीक है जी। अब बैठ के इत्मीनान से करते जी ट्राई। तो जी जगह मिल गई मेरे को भाई गाड़ी पार्क करने की, देखो सामने पार्क भी है लेकिन यार बैड लक भाई बारिश हो रही है, जिस कारण नहीं तो क्या होता ना मैं बाहर इत्मीनान से बैठ के भाई टेस्ट करता यार, और कर जा चुका हूं ना। तो जी भाई माल में लेके आया भाई राकेश जी का भी भाई चरण जी का भी, ठीक है जी। अब देख लो जी ये स्थिति है, तो ये चटनियां दी है जी भाई अपने चरण दास जी ने, ये कुछ है ये तड़का टुटका कुछ है समझा नहीं है, कुछ है कुछ कर नहीं, देख लेंगे क्या ये इसमें क्या स्थिति है। मैं घर से प्लेट लेके आया था जी, मैं कहा ना घर से लेके आएंगे, तो मैं इसमें से ये पनीर का बिग बिग पीस निकाल लेता हूँ। मैंने 2 पीस मंगवा लिए जी, 2 पीस ये देखो बिग बिग पीस सही पीस तो सही है यार, सीधे निकाल ही लेता हूँ। अब क्या करना जी, बड़ी क्वांटिटी है यार, ये अपना साइड में डस्टबिन है भाई। आज बिना टोपी के वीडियो बना रहा हूँ टोपी कर भूल आया यार जी ये तड़का है। तो आओ जी भाई अब देखो जी क्या स्टोरी है। ये है जी राकेश के राजमा चावल अलोंग विद दो पनीर, ये है जी चरण दास के राजमा चावल अलोंग विद बिग बिग पीस ऑफ पनीर। हाँ अब टेस्ट कंपैरिजन है जी भाई, टेस्ट किसका बेहतर है किसका बढ़िया है जी, ज्यादा बातें नहीं करनी, कितनी गल्ला करना मैं यार। देखो तड़का क्या है यार, ये तड़का है बिना नमक के, नमक नहीं इसके अंदर, ओनली तेल तूल मसाले मसूले प्याज अदरक लहसुन एंड दिस ऑल। चटनी किसकी है ये, चरण दास की चटनी है। टेस्टी यार, खट्टी खट्टी मजेदार। तो ये सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे हेड टू हेड भाई श्री चरण दास जी के। हाँ भाई चरण दास जी देखो ए बाय टूर राजमा चावल की जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी है। नमक ग्रेवी में हल्का सा कम है लेकिन राजमा में नमक क्लिक हो रहा है, वो पता नहीं कैसे हो रहा है यार। हाँ स्पाइसेस जो हैं बहुत लाइट है, हद से ज़्यादा लाइट है। इसको स्पाइसी करने के लिए ही चरण दास जी ने ये भाई ये अलग से दिया हुआ है, क्यों बच्चे बुच्चे भी आते हैं बड़े बुजुर्ग भी आते हैं भाई वो नहीं खाते स्पाइसी ना, तो ये अब स्पाइसी एड करने के लिए मैं ये ऐड करेगा। आओ चरण दास जी दोबारा करते हैं जी टेस्ट आपको विद स्पाइसी एंड। तो मैं ये कहता हूं चरण दास जी का जो राजमा चावल है बहुत टेस्टी है लजीज है, बट स्पाइसी एंड पे नीचे है, क्योंकि आपको पता कि
हर एक वर्क अलग अलग होता है, एक स्पाइसी एंड खाने वाला, एक लाइट वर्जन खाने वाला, मैं हूं स्पाइसी खाने वाला बंदा है ना, तो जो ये स्पाइसी वाली जो चीज है ना, ये भी इतनी स्पाइसी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ये भी स्पाइसी ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है नहीं, बट जो मुझसे कम स्पाइसी खाते हो भाई उंगली बहुत स्पाइसी है ये ना। नाउ दिस इज अ टर्न ऑफ बिग बिग पनीर, देखो भाई, देखो आज से 5-6 साल पहले मैंने पनीर खाई थी, पास भी मुझे तब भी अच्छी लगी थी, मुझे आज भी अच्छी लग रही है, मुझे इनके पनीर यार बहुत टेस्टी लगती है, हाँ उस साइज क्या स्टाइल है काटने का, कितना लजीज लग रहा है दिखने में, है ना। ये स्टोरी होगी जी भी अपने चरणदास जी की। अब आ रही आती जी अपने बिग आइकन मिस्टर राकेश जी की, हाँ राकेश जी आओ जरा साइड पे, नहीं राकेश जी पनीर जी आओ जरा साइड पे, आओ एक मिनट आओ साइड पे, ये बड़ी लाची देखो, सबसे पहले बड़ी लाची बैठी हुई, देखा नहीं मैंने कहा ना स्पाइसी जो इनके गर्म मसाले बहुत तेज होते हैं, मैंने आप ही बोला ही कुछ नहीं, तो आ भाई ठीक है, तो पनीर अपनी टूट गया जी चुंगा मुंगा, तो ये है जी स्टारी स्टोरी। अब देखो जी ये तो शक्ल से आप बताओगे कि ये बहुत स्पाइसी है, शक्ल से ही है नहीं बताओ, तो आ भाई भाई पहली बाइट, अरे उसमें पहली बाइट क्या ही नहीं, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क पे टेस्ट में, मैं अभी भी बार बार ये कह रहा हूं राकेश जी के भी भाई राजमा भाई टेस्टी है, बट टेस्ट एंटायरली भाई इसका और इसका भाई डिफरेंट है, ये सारा जो खेल है ये सारा खेल मसालों का है, मसालों, इसके मसाले इन्होंने इतने तेज रखे हुए हैं, इतने तेज रखे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, हा? राकेश जी के राजमा चावल में ना आप ना वो राजमा का एक फ्लेवर था ना कौन सा वाला जो सब अपना खुद का फ्लेवर था, वो थोड़ा सा क्या दब जाता है, वो फ्लेवर आपके जुबान पे नहीं आता। चरणदास जी के भी क्या है कि जो राजमा का अपना फ्लेवर और अपना टेस्ट रहता है ना, राजमा का अपना नेचुरल फ्लेवर वो इंटैक्ट है। इधर क्या हुआ है, इधर मसालों ने जो अपना एक दबदबा बनाया जी इनके अपने राकेश जी के इस राजमा चावल में, यार ये सारी स्टोरी है जी। पनीर तो खाई नहीं इसकी, यार झूठ नहीं बोलता, चरणदास जी अच्छी है यार, मुझे चरणदास जी का पनीर बहुत लजीज लगती है जी, शुरू से, अभी नहीं शुरू से, हाँ ये जी चटनी, ये चटनी खाई नहीं हमने, चटनी तो राकेश जी ने बहुत सही बनाई है यार। तो जी एक फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला ये रहेगा, ये रहे जी राकेश जी के राजमा चावल, ये रहे जी चरणदास जी के राजमा चावल, हाँ क्वांटिटी बराबर है जी, पंजाह मजा, ये पटा पनीर एथू, ये कड़े जी एथू। अब मैं इन दोनों को ना आपस में मिक्स करने वाला हूँ, राकेश जी की दोस्ती करा दूँ हाँ भाई, अब देखो क्या धमाका फिरने वाला है, भाई आप ना प्लीज जो मेरा जम्मू का भाई ये देख रहा ना वीडियो, एक बार ना राकेश जी के राजमा चावल और चरणदास जी के राजमा चावल ना मिक्स करना, टेस्ट ना भाई चपरान सा बनेगा, चपरान सा, सच में कह रहा हूँ। मजा आ गया यार सच में, अब इनका भी मेल कराएंगे, इनकी इस पे चरणदास जी के पनीर का और राकेश जी के पनीर का मेल कराना है, करो मिक्स, अब देखो धमाका, बहुत टेस्टी है। तो जी मैं अब इस कंक्लूजन में निकला हूं कि राकेश अच्छा है या चरण अच्छा है, देखो अब जो स्टोरी है जी इन सब की दोनों की, राकेश की और चरण की, वो ये है कि भाई सेगमेंट्स होते हैं, टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, राजमा चावल भाई राकेश के बहुत स्पाइसी एंड पे जाते हैं, राजमाओं का जो अपना एक ऑथेंटिक टेस्ट रहता है वो थोड़ा गायब हो जाता है, वो नहीं आता है आपकी जुबान के ऊपर, स्पाइसिस का रोल ज़्यादा अहम रहता है राकेश जी के राजमा चावल में, तो जो स्पाइसी एंड खाने वाले हैं भाई वो उधर जाओ, जो लाइट खाने वाले हैं लाइट स्पाइसी नहीं खाने वाले, क्योंकि अब देखो इनका जो तड़का ना ये भी स्पाइसी नहीं है, हैरान कर देने वाली बात ये है, तो जिनको लाइट वजन खाना जी राजमा चावल का वो चरण जी के पास जाओ, ये दो बंदे ना जबरदस्त हैं जी अपने अपने फील्ड के यार, मेरा ये कंक्लूजन है समझे आप, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वो शेर है तो वो सवा शेर है, ऐसा कोई सीन नहीं है यार। तो ये थी जी मॉरल ऑफ स्टोरी जी अपने चरणदास जी की राकेश जी की, मैं तो दोबारा से इनका मेल करा के खाऊंगा यार।
तो दोस्तों ये था जी राकेश एंड चरणदास ऑफ लेजेंड ऑफ अपर जम्मू। ठीक है, तो आप भी अगर ट्राई करना तो ट्राई तो किया होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।